दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मून नाइट मूवी का 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने पहले 4 एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके मेरे चैनल में चेकआउट कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कहानी के शुरू में हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि मार्क के ऊपर चीख रहा होता है। वो कहती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। दरअसल ये लेडीज मार्क की मम्मी होती है। दोस्तों जैसे कि हमने एपिसोड 4 के एंडिंग पे देखा है, मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट उस असाइलम से भाग रहा होता है, तभी वहाँ टॉयलेट आ जाती है और ये लोग दोनों चीखने लगते हैं। उसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को आर्थर के रूम में देखते हैं, जहाँ आर्थर इनसे कहता है, देखो मार्क, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, दरअसल तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम है जो कि यहाँ से वहाँ झूल रहा है। एक तरफ है ये कड़वी बात है कि तुम शिकागो के एक मेंटल असाइलम में हो और तुम मेरे मरीज हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर, और दूसरी तरफ वो कल्पना जो तुमने बनाई है कि तुम एक सुपर हीरो हो। मार्क आर्थर से कहता है, तुम एक असली डॉक्टर नहीं हो। आर्थर कहता है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग रियलिटी और फैंटेसी में अंतर नहीं कर पा रहा है, तुम ये जो देख रहे हो वही असली है, ना कि तुम जो सोच रहे हो। फिर आर्थर मार्क से कहता है, तुमने कहा था मेरा ऑफिस तुम्हें इजिप्ट का याद दिलाता है, जहाँ तुम पहले थे और वहाँ तुम एक हिप्पोपोटामस मिला था और जिससे तुमने बात भी किया। अब बताओ ये कल्पना है या हकीकत। मार्क कहता है, ये कल्पना है और ये हिप्पोपोटामस ही तुम्हारे और स्टीवन के बीच फासला मिटा सकेगी, जिससे मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर आर्थर कहता, तुमने एक बच्चे का जिक्र किया था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है। तभी मार्क वहाँ टेबल पे रखा एक कांच का बना पिरामिड को उठा लेता और कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वहाँ आर्थर के लोग आ जाते हैं और मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। तभी मार्क को इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे मार्क उसी मोमेंट में चला जाता है जहाँ उसके साथ स्टीवन और डेविड टॉयलेट थी। फिर डेविड टॉयलेट इन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोग ट्विंस हो। स्टीवन कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। फिर डेविड टॉयलेट कहती है, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तभी मार्क कहता है, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे गोली लगा था। फिर डेविड टॉयलेट कहती है, तुम लोग ऑलरेडी मर चुके हो। फिर डेविड टॉयलेट इनका स्वागत करता है, वो कहती है, तुम लोगों का ड्वार्ट पे स्वागत है। ये बात सुनके स्टीवन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, ड्वार्ट। स्टीवन कहता है, ड्वार्ट इजिप्टियन मृत्यु लोग और आप हमें मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। पर मार्क को ये बात विश्वास नहीं होता। मार्क कहता है, ये मेंटल असाइलम का तरह क्यों लग रहा है। तभी टॉयलेट कहती है, इंसानी दिमाग के लिए ड्वार्ट को समझना नामुमकिन है, इसीलिए ये तुम्हें उस रूप में दिखेंगे जिससे तुम बाकी हो। स्टीवन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये जगह हमें ये मेंटल असाइलम का तरह क्यों दिख रहा है। फिर मार्क कहता है, क्योंकि हम पागल है इसीलिए। पर मार्क को ये सारी बातें विश्वास नहीं होता है। मार्क कहता है, ये सब सारा मेरा दिमाग का खेल है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है, देखो मैं इस कमरे को खोलूंगा, इसके अंदर बहुत सारे मरीज मिलेंगे। जैसे ही मार्क उस कमरे को खोलता है और हम देखते हैं ये लोग एक नाव के ऊपर होते हैं और ये नाव रेत के ऊपर चल रहा है। ये देखकर मार्क शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये क्या, ये तो मृत्यु लोक है और मैं पागल नहीं हूँ, हम लोग बस मर गए हैं। तभी वहाँ टॉयलेट और स्टीवन आ जाता है। फिर मार्क टॉयलेट से पूछने लगता है, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। तभी स्टीवन कहता है, हम अभी आरओ की तरफ जा रहे हैं, सुकून के मैदान के पास। फिर टॉयलेट कहती है, अगर तुम लोगों के दिल पे कोई बोझ नहीं होगा तो तुम लोग सुकून से रहोगे स्वर्ग में। फिर टॉयलेट मार्क और स्टीवन का दिल निकाल कर इंसाफ के तराजू में चढ़ा देता है। तभी मार्क स्टीवन से पूछता है, ये क्या कर रही है। स्टीवन कहता है, वो हमारे दिल को और इंसाफ के पंख को तोलेगी। सफर के दौरान हमारे दिल अगर इंसाफ के पंख के बराबर हो गया तो सुकून के मैदान में जा सकोगे। फिर मार्क पूछता, अगर दिल पंख जैसा हल्का ना हुआ तो। तभी टॉयलेट कहती है, तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा, जहां तुम लोगों को मौत के बासिंदे द्वार्ट में घसीट लेंगे, जहां तुम लोग हमेशा से फंसे रहोगे रेत में जमकर। तभी मार्क वहां से थोड़ा साइड में आता है और उसके पीछे स्टीवन भी आता है। तभी मार्क कहता है, हम इस हिप्पो को मार के ये नाव लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो तराजू जोर जोर से हिलने लगता है। तो स्टीवन कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी डेविड टॉयलेट कहती है, वजह दिल है और इनमें खलिश है, इन दोनों में एक अधूरापन है, अगर तराजू तोल नहीं पाया तो तुम लोगों का रूह द्वार्ट में जम जाएगा।
फिर स्टीवन टॉयलेट से पूछता है, आपके पास इसका कोई हल है? तभी देवी टॉयलेट कहती है, इस नाव में तुम्हारी सारी यादें हैं, पता नहीं तुम लोग क्या छुपा रहे हो, जाके उस सच का सामना करो। तभी ये दोनों नाव के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें एक रूम में मार्क, जब सबसे पहले मून नाइट बना था और वो जब इजिप्टियन जैकल को मार रहा था, वो यादें देखते हैं। उसके बाद स्टीवन दूसरे रूम में देखता है, जहां हम देखते हैं जब मिस्टर नाइट और खोंगशू मिलकर 2000 साल पहले का रात को वापस लाया था, उस यादों को देखते हैं। फिर स्टीवन दूसरे रूम में देखता है, जहां हम मार्क को देखते हैं, जो कि एक कार के सामने खड़ा था। तभी किसी दूसरे रूम से एक बच्चे का आवाज आता है, स्टीवन उस रूम में दौड़कर चला जाता है और उसके पीछे मार्क भी चला जाता है। और उस रूम में बहुत सारे डेड बॉडीज थे जिनको मार्क ने मारा है उनके जुर्म के वजह से। स्टीवन मार्क से कहता है, तुमने इन सभी को मारा है? मार्क कहता है, ये लोग सब क्रिमिनल थे जो मासूमों के ऊपर जुर्म करते थे, इसीलिए खोंगशू ने इन सभी को सजा दिया है और हमने रात के अंधेरों में मासूमों को बचाया। फिर स्टीवन कहता है, तुम्हें इन सभी की शक्लें याद है? तभी मार्क कहता है, किसी की जान लेके देख, उसकी शक्ल दिमाग में छप जाएगी। मैं हमेशा से सोचता था इनमें से कोई मुझे मार दे। तभी वो तराजू धीमा हो जाता है। तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है, मार्क उसे मना करता पर स्टीवन उस बच्चे के पीछे चला जाता है और वो बच्चा एक रूम के अंदर जाता। फिर स्टीवन उस रूम के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देता है और मार्क बाहर से लॉक को खोलने के लिए चीखने लगता है। यहाँ हम मार्क के बचपन के यादों को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं मार्क के भाई रैंडल स्पेक्टर को, जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। तभी मार्क उसे कहता है, चलो केव में जाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, अपने भाई को हमेशा सुरक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। तभी लोग जंगल में केव में जाने लगते हैं। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और जब ये दोनों भाई केव में जाते हैं, स्टीवन इनके पीछे पीछे जाता है। और दूसरे तरफ हम मार्क को देखते हैं, वो एसाइलम में इधर उधर घूम रहा होता है। उधर बारिश की वजह से केव में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और वहाँ मार्क का छोटा भाई रैंडल स्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पहले से स्टीवन मौजूद होता है। उसकी मम्मी बार बार उसके डैड से कहती है, मुझे रोरो को वापस ला के दो। दरअसल रैंडल का नाम रोरो होता है। तभी वहाँ छोटा मार्क आ जाता है तो उसकी मम्मी कहती है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हें अपने भाई बचाना चाहिए था, तुमने उसे नहीं बचाया, इसका जिम्मेदार तुम हो। तभी छोटा मार्क दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और उसके पीछे स्टीवन भी चला जाता है और ऊपर जाकर देखता है मार्क का बर्थडे होता है और उसका पापा उसके मम्मी को बुलाता है पर वो नहीं आती है। तभी पीछे से मार्क बुलाने लगता है, फिर स्टीवन दौड़कर ऊपर के सीढ़ियों में चला जाता है और वहाँ देखता है छोटे मार्क का बर्थडे का दिन होता है, उसके पापा उसे केक देता है। तभी उसकी माँ पीछे से आती है, जो कि अब अल्कोहलिक हो गई है। वो छोटे मार्क से कहती है, जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ था तभी मुझे समझ लेना चाहिए था तुम उसे मार दोगे। तभी मार्क उस केक को फेंक देता है और वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। तभी स्टीवन उसके पीछे जाने लगता है, तभी उसे मार्क पकड़कर बाहर लेके आ जाता है। फिर हम दोनों को सड़क पर देखते हैं, मार्क स्टीवन को रोक रहा होता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब मार्क टीनेजर था तब वो घर छोड़कर जा रहा था, तभी मार्क के पापा उसे रोकने लग जाते हैं। अभी टीनेजर मार्क कहता है, आपको पहले ही सब कुछ ठीक कर देना चाहिए था। अभी बड़ा मार्क आकर स्टीवन को कहता है, तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था, और वो उसे धक्का देता है। तभी ये दोनों किसी रेगिस्तान में आ जाते हैं, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और गाड़ियों में आग लगा हुआ था। स्टीवन मार्क से कहता है, तुमने होस्टेजेस को मारा, हैरो कह रहा था तुम एक आतंकी हो। तभी मार्क स्टीवन से कहता है, तुमने उसकी बात मान ली? स्टीवन कहता है, तुम कर भी सकते हो। तभी मार्क कहता है, मुझे पता नहीं था बिना बोले छुट्टी लेने से आर्मी से निकाल दिया जाता है, मेरे पास काम नहीं था तो मैंने पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमैन के पास गया काम मांगने। उनका प्लान इजिप्शियन मकबरे को लूटने का था, पर फिर बुशमैन ने अपना प्लान बदल दिया, उसने कहा कोई नहीं बचना चाहिए, पर मैंने उसका ऑर्डर नहीं माना। तभी स्टीवन एक डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है, ये तो डॉक्टर एल फाउली है, ये तो लैला का डैड है। मार्क कहता है, मैंने सबको बचाने का कोशिश किया था पर मैं इनको बचा नहीं सका। फिर स्टीवन कहता है, तो तुम्हारा क्या हुआ? तभी मार्क उसे मून गॉड खोंगशू का टेम्पल दिखाता है। फिर ये दोनों खोंगशू के टेम्पल में जाते हैं, जहाँ हम मार्क को देखते हैं। मार्क को बहुत ज्यादा चोट लगा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी मार्क अपना बंदूक निकाल कर खुद को ही मारने जाता है, तभी खोंगशू उसे रोक देता है।
खोंगशू मार्क को ऐसा करने के लिए मना करता है। खोंगशू कहता है, मैं तुम्हें बख्श दूंगा पर तुम्हें मेरा अवतार बनना पड़ेगा जिससे तुम रात के मुसाफिरों को मदद करोगे जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम उनसे मेरा इंतकाम लोगे। तब स्टीवन कहता है, मार्क ये तुम्हें शुरू से फंसा रहा था। तब मार्क स्टीवन से कहता है, उसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। तभी वो यादों का मार्क खोंगशू को हाँ कर देता है। तब खोंगशू कहता है, चलो उठो, आज से तुम हो मेरा इंसाफ का मसीहा, तुम हो मून नाइट। तभी स्टीवन दूसरे तरफ मार्क को तराजू में देखने को बोलता है। स्टीवन कहता है, संतुलन बन गया क्या? दरअसल वो तराजू अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। तभी अचानक नाव में बबून आ जाते हैं। ये लोग दोनों वहाँ से निकलकर सीधा डेविड टॉयलेट के पास आ जाता है। फिर स्टीवन पूछता है, क्या हुआ? डेविड टॉयलेट कहती है, देवलोक में हाहाकार मच गया है, बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले रेत में जमा रहा है। तभी मार्क कहता है, ये हैरो के वजह से हो रहा है। तभी स्टीवन कहता है, हमें कुछ करना होगा, हमें वापस जाना होगा। तभी टॉयलेट कहती है, अगर मैंने तुम्हें जिंदा भी कर दिया तो तुम अपने गोली खाए हुए बॉडी में ही लौटोगे। तभी स्टीवन कहता है, लैला के पास संदेशा पहुंचा दीजिए कि खोंगशू को आजाद करना होगा। तभी टॉयलेट कहती है, तुम बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से आजाद हुए हो। तभी मार्क कहता है, और कोई चारा नहीं है। टॉयलेट इन दोनों की बात मान जाता है। फिर वो नाव को दूसरी रास्ता में मोड़ देता है और मार्क और स्टीवन से कहता है, जल्दी अंदर जाओ, ज्यादा समय नहीं है, दिल की बेचैनी को दूर करो और संतुलन बनाओ। फिर मार्क और स्टीवन नाव के अंदर चले जाते हैं। फिर स्टीवन मार्क से कहता है, चलो उसी कमरे से शुरू करते हैं जहां तुमने मुझे जाने के लिए रोका था। मार्क कहता है, पुरानी यादों को देखकर कुछ फायदा नहीं होगा। तभी स्टीवन कहता है, मार्क तुम नर्क में सड़ने वाले हो, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हैरो सबको मार देगा और लैला भी मर जाएगी। तभी यह बात सुनकर मार्क जोर जोर से चीखने लगता है, अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। उसके बाद हम मार्क को सीधा आर्थर के रूम में देखते हैं। तभी आर्थर मार्क को रुकने के लिए कहता है। तभी मार्क कहता है, तुमने मुझे इंजेक्शन लगाया है क्या? आर्थर मार्क से कहता है, तुम जो ये कर रहे हो आसान नहीं है पर मुझे तुम पर गर्व है और ये यादें दिखने में तो एकदम असली लगती है और तुम इस पे घंटों से घूम रहे हो। तभी आर्थर मार्क को ग्लास में कुछ पीने के लिए देता है और वो मार्क से कहता है, तुमने स्टीवन को बनाया है ताकि तुमने अपने जिंदगी में जितने भी गलतियां की है उससे अपना मुंह छुपा सको, या फिर स्टीवन ने मार्क को बनाया है ताकि मार्क ये जाति का गुस्सा पूरे दुनिया पे निकाल सके और तुम्हें स्टीवन को ये सब सारी बातें बतानी पड़ेगी तभी ये चीजें बदल पाएगी। और तभी हम छोटे से मार्क के रूम में देखते हैं जहां उसका मम्मी दरवाजा नॉक कर रहा होता है और स्टीवन और मार्क उसी रूम में होते हैं। तभी छोटा मार्क स्टीवन में बदल जाता है और ये देखकर बड़ा स्टीवन शॉक हो जाता है। तभी बड़े स्टीवन को सामने के एक वॉल में एक मूवी पोस्टर के ऊपर नजर जाता है जहां लिखा हुआ होता है, डरने की क्या बात जब स्टीवन ग्रांट है साथ। तभी स्टीवन मार्क से कहता है, मैं तुम्हारी कल्पना हूँ। तभी उस रूम में उसकी मम्मी आ जाती है, फिर वो छोटे मार्क को मारने लगती है। तभी बड़ा मार्क स्टीवन को उस रूम से बाहर लेके आ जाता है। स्टीवन मार्क से कहता है, मुझे लगा था मैं असली वाला हूँ और मैं तो तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार हूँ। फिर मार्क कहता है, तो क्या मेरी वजह से तुझे एक अच्छी लाइफ मिली, एक अच्छी जिंदगी मिली और तू उस कड़वी बातों को याद रखना चाहता है जिसमें तेरी खुद की माँ तुझे मारती थी, तुझसे नफरत करती थी, जिसने तेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तभी स्टीवन मार्क से कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मार्क स्टीवन से कहता है, तुमने जो जिंदगी जी उसमें तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी बल्कि वो अभी तक जिंदा भी है। कहता है, इसका क्या मतलब, मैं उनसे रोज बात करता हूँ, वो सही में जिंदा है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है, मुझे सालों बाद डैड ने फोन किया था, उनके डेथ सेरेमनी में जाने के लिए कहा था पर मैं नहीं जा सका। तभी स्टीवन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी हम स्टीवन को आर्थर के रूम में देखते हैं। स्टीवन के हाथ में एक पानी का ग्लास होता है, वो पानी आर्थर के मुंह में फेंक देता है। फिर स्टीवन आर्थर को देखता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है उसे देखकर। फिर आर्थर स्टीवन से कहता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। फिर स्टीवन आर्थर से कहता है, तुमने बहुत अच्छी खासी इज्जत बना ली। तभी आर्थर स्टीवन से कहता है, मैंने ही मार्क को कहा था तुम्हें सारी बातें बताने। स्टीवन कहता है, मार्क ने मुझसे झूठ कहा। तभी आर्थर कहता है, तुमने ही उसे यहाँ लाया तुम्हारे माँ को खोने के बाद। स्टीवन आर्थर की बातें नहीं मानता, वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी आर्थर उसके माँ को फोन लगा देता है। स्टीवन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी वो फोन लगाकर स्टीवन को बात करने के लिए कहता है पर फोन पे कोई आवाज नहीं आता है। तभी स्टीवन कहता है, मम्मी मर चुकी है। उसके बाद हम सीधा मार्क के मम्मी के फ्यूनरल में देखते हैं जहां मार्क अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी उसका पिताजी उसे अंदर आने के लिए कहता है पर मार्क अंदर नहीं जाता, वो वहां से चला जाता है। फिर वो
आगे स्ट्रीट में आके जोर जोर से रोने लगता और उसके पास स्टीवन बैठा हुआ होता है। तभी वो मार्क रोते रोते स्टीवन में बदल जाता है। फिर वो अपना फोन निकाल कर अपने मम्मी से बात करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ मार्क आ जाता है। मार्क कहता है यही वो दिन था जहाँ से हमारी दुनिया एक होने लगी। उसके बाद मार्क कहता है उस दिन मेरी एकदम हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने के लिए। स्टीवन कहता है मार्क उन्होंने जो तुम्हें बुरा भला कहा है वो एकदम ही गलत था। फिर मार्क कहता है मुझे उसे गुफा के अंदर नहीं ले जाना चाहिए था। तब स्टीवन कहता है तुम भी उस समय छोटे थे और तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी अचानक वहाँ भूकंप आ जाता है, सारी चीजें वहाँ हिलने लगती है। तभी ये दोनों डेबी टॉयलेट के पास जाती है। फिर स्टीवन पूछता है क्या हुआ बताइए। डेबी टॉयलेट कहती है मैंने पहली बार इंसानी दुनिया का दरवाजा देखा है। मार्क कहता है ये खुलेगा कैसे। तभी डेबी टॉयलेट कहती है आई एम सॉरी जब तक ये तराजू तोलता तब तक बहुत देर हो गया था। अब द्वार के बासिंदे आ जाएंगे तुम्हें पकड़ने। और तभी हम देखते हैं रेत से कुछ लोग नाव में आ जाते हैं और मार्क के ऊपर हमला कर देते हैं। और मार्क के और इनके बीच एक अच्छी फाइट होती है पर ये लोग मार्क के ऊपर काबू कर लेते हैं। तभी स्टीवन कहता है मार्क तुम लड़ सकते हो, अगर तुम मैं हूँ तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ। तभी स्टीवन एक बेसबॉल का बैट उठाता है और ड्वार्फ के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों को मार देता है। पर मार्क जिस साइड में खड़ा था उस साइड से एक डॉट के बासिंदे मार्क को आकर पकड़ लेता है। तभी स्टीवन उसे दौड़कर बचाने आता है। स्टीवन मार्क को बचा लेता है पर वो डॉट के रेत में गिर जाता है। तभी मार्क ऊपर से स्टीवन करके चीखने लगता है और डेबी टॉयलेट से नाव को रोकने के लिए कहता है पर ये नाव नहीं रुकती। और तभी स्टीवन द्वात में रेत के मूर्ति में बदल जाता है। और दूसरे तरफ हम नाव में देखते हैं वो तराजू अब संतुलन में हो गया था। तभी हम मार्क को देवताओं के दुनिया में देखते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।